सीएम अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे का आज तीसरा दिन है और आज सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे सीएम अशोक गहलोत। थोड़ी देर में सीएम सोनिया गांधी की मुलाकात होगी, मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों पर ये चर्चा होगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी राजस्थान पर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज दिल्ली दौरे का तीसरा दिन है। कल राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की थी और आज सोनिया गांधी से मुलाकात करने जा रहे हैं। प्रदेश में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर माना जा रहा है कि सोनिया गांधी से चर्चा होगी और अब फाइनल रिजल्ट मंत्रिमंडल का निकल कर आएगा और अब इंतजार है कि मंत्रिमंडल का कि आखिरकार कब मंत्रिमंडल होता है और किसे इसमें जगह दी जाती है। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर चर्चा करने के लिए सीएम अशोक गहलोत दिल्ली में मौजूद हैं और फिलहाल सोनिया गांधी से मिलने के लिए अपने आवास से वो निकल चुके हैं। और तस्वीरें आपने देखी थी एक्सक्लूसिव, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के दौरे पर हैं और आज कार्यक्रम उनका सोनिया गांधी से मिलने का है। कल राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की थी, तमाम बड़े नेता उस बैठक में भी मौजूद रहे थे और माना यह जा रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बैठक में उसमें चर्चा हुई है। और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता मनोहर विश्नोई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोहर, बैठकों का दौर लगातार जारी है, आज सोनिया गांधी से मुलाकात होनी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, क्या कुछ जानकारी है कि आखिरकार क्या कुछ जो ये मुलाकात होने वाली है इसमें निकल कर आएगा? जी बिल्कुल, देखिए अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान हाउस से 10 जनपद के लिए रवाना हो चुके हैं और वो सोनिया गांधी से जिस तरीके से कल की प्रस्तावित मुलाकात थी वो होगी और मुलाकात में साफ तौर से राजस्थान के मुद्दे तो है ही है, साथ ही इसके अलावा जो राजस्थान के इश्यू के अलावा जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पर भी चर्चा होगी। जिस तरीके से जनजागरण अभियान 14 नवंबर को शुरू होना है उसमें अशोक गहलोत की भूमिका क्या हो सकती है इसको लेकर के सोनिया गांधी के साथ चर्चा होगी। साथ ही राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां जो होनी है उसको लेकर के सोनिया गांधी को आखिरी जो मंत्रणा करनी है वो करके और उसके बाद कभी भी राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो सकता है। जी, क्या माना जाए मनोहर विश्नोई, आज जो नाम होंगे जिन पर काफी लंबे समय से अटकलें लगी हुई थी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, क्या आज ये सब चीजें फाइनल हो जाएंगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर, जिस तरीके से लंबी मंत्रणा चली, कल रात भी 3 घंटे तक सभी नेता है वो बैठ करके चर्चा की और लंबी मंत्रणा की, उसके बाद अब सोनिया गांधी के साथ में जो फाइनल चर्चा करनी है उसको लेकर के अभी मुलाकात हो रही है और ये इस चर्चा के बाद इस मुलाकात के बाद में जो है फॉर्मूला तो तब तय कल ही तय कर लिया था, लेकिन सोनिया गांधी के से मिलकर के ये बताया जाएगा कि इस तरीके से हम इस फॉर्मूले पर इस फॉर्मेट के साथ में हम मंत्रिमंडल विस्तार कर रहे हैं, राजनीतिक नियुक्तियां कर रहे हैं और इस तरीके से जो है सारी चीजें उनसे चर्चा करेंगे और राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के अशोक गहलोत और जो राजनीतिक प्रदर्शन किस तरीके से राजस्थान की भूमिका हो सकती है उसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। जी चलिए, बहुत धन्यवाद मनोहर विश्नोई तमाम जानकारी देने के लिए। तो जी राजस्थान पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और आज माना यह जा रहा है कि जो लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें लगी हुई थी वो आज समाप्त हो जाएंगी और आज फाइनल हो जाएगा कि आखिरकार किसे मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है, कौन से वो नाम है जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के दौरे पर है, तीसरा दिन आज उनके दौरे का है। कल राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की थी और इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई थी। 14 नवंबर से जो अभियान कांग्रेस की तरफ से चलाया जाएगा उसके बारे में, साथ ही साथ मंत्रिमंडल राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चर्चा हुई और आज सोनिया गांधी से मुलाकात करने अशोक गहलोत निकले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अजमेर आबकारी विभाग ने अलसुबह सांसी